रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। बंटवारा फालतू लोगों के साथ ना उलझा कर। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरे को कुछ नहीं होगा बेटा। अरे पीछे से हमला कर दिया अचानक, समझने का मौका ही नहीं मिला। आमने सामने ना तो एक एक को देख लेता मैं। नहीं पुत्र, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। और मेरी बात सुन, वो जरनैल वाली बात वो सच्ची है क्या? कौन सी बात? मुझे नहीं पता। ये कौन आ गया सवेरे सवेरे? मैं देखती। बैठ बैठ। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को देखने आई हूँ। कल कॉलेज नहीं आया और आज पता चला कि किसी से मारपीट हुई। ज्यादा चोट तो नहीं आई तेरे को? कुछ नहीं हुआ मुझे। किसी से मारपीट नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा रहने दे, मैंने सब पता करके ही आई हूँ। ये तुझको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मिली ना, चल निकल। हाँ कितना बेमरबत है तू। मैं इतनी दूर से आ गई चल के तेरे को देखने और तू ऐसे ही। तो क्या करूँ, बेबे से कहूँ खातिर कर, बहू आई है तेरी। तो कह दे इसमें गलत क्या है, एक ना एक दिन तो मुझे इस घर में आना ही है। वैसे बुरा नहीं है तेरा घर। ले पुत्र लस्सी पी। नहीं आंटी इसकी क्या जरूरत है? कोई नहीं कोई। थैंक यू। और बता पुत्र, कॉलेज में पढ़ती है इसके साथ? एक ही क्लास में? अच्छा अच्छा। घर कहाँ है तेरा पुत्र? इस पिंड की तो लगती नहीं है तू। जी से आलवा माजरा में। अरे वाह इतनी दूर, ये तो बड़ी दूर है। इतनी भी दूर नहीं है, और मुझे कौन सा पैदल आना था, बस में आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तेरा प्यो की कर दे पुत्र। तुझे क्या करना है बेबे, तू क्यों इंटरव्यू ले रही है उसका? भाई तू चुप कर। हाँ जी, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, स्टेट एजेंट है। अच्छा अच्छा। तेरे बाप का क्या नाम है पुत्र? जी बलजीत सिंह। बेबे पीछे छोड़ दे उसका, जा तू। ठीक है आंटी, अब ना मैं चलती हूँ। और रुक जा पुत्र, कोई छोड़ के आएगा तेरे? नहीं आंटी, मैं हाईवे से बस ले लूंगी। मैं छोड़ कर आता हूँ। वाह बड़ी फुर्ती आ गई। सुबह ना गुसल खाने से मेरा हाथ पकड़ के ऐसे निकला। बेबे अब मैं ठीक। तू चुप कर जा। जरनैल बेबे क्या कर रही है तू? चुप। ओ जरनैल आ नीचे जल्दी। आया बेबे। ओए होए 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 क्या बात है। सतिकाल जी। ओ जरनैल तू जानता है इसको? हाँ हाँ बेबे, जरनैल वीरे के साथ अक्सर देखा है इनको कॉलेज में। पहले तो कभी बताया नहीं तूने? मैंने सोचा करनैल वीर ने बता दिया होगा। क्यों वीरे बताया नहीं? कभी मौका ही नहीं मिला बेबे। ठीक है आंटी अब मैं चलती। और रुक जा पुत्र, जा जरनैल कुड़ी ने छोड़ दिया मोटरसाइकिल। बेबे इतनी दूर से अकेली आई है, चली जाएगी। आंटी मैं हाईवे से बस ले लूंगी। और जा पुत्र, तू ना बस स्टैंड तक छोड़ के आई, पूरी तरह बस चढ़ा के आई, ऐसे ना रास्ते में छोड़ के आ जी। आंटी आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं पुत्र, ये कौन सा हाल बांधा, चल चल जा। वीर तू कहे तो घर तक छोड़ो। चलो सोने पुत्र, गिरा मत देना, जा। वो चिंता मत करो बेबे, बेबे पक्का लाइसेंस तक नहीं है इसके पास। लर्निंग तो है, तेरे से अच्छी चलाता हूँ। चलो जी। चलो चलो आराम से जाना पुत्र। ये वही लड़की है ना जिसकी बात हो रही थी कल? बेबे कैसी लगी तेरे को? चुप कर, बाप पटवाता है। और लड़की खैर पूछने घर तक आ जाती।
अच्छा ड्रामा चल रहा है। अरे मैंने कहा ना मुझे किसी ने नहीं पिटवाया, मैं तो इससे जो पूछ रहा हूँ बताना। नहीं मैंने कुछ नहीं सुनना, मैं और तेरी दादी ना दो चार दिन में जा रहे हैं रोपड़ गुरबीर मान की लड़की का रिश्ता मांगने, सुन गया? मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी। आप लोगों को मेरी शादी कितनी जल्दी क्या है? जल्दी है पुत्र, तेरे पीछे तेरे दो भाई और दो बहने और भी है, तेरा इंजन खिसकेगा तो उनकी बारी आएगी ना। भी एक बार सोच लेना, कितनी अच्छी तो है। तू ना मेरे को ना समझा, शाम को तेरा बाप आ जाएगा उसको। हेलो मनवीर है ना आप? जी आप कौन? डरो मत, मैं कर्नल सिंह, मुरिंदा खरड़ वाला जी। हम दोनों की शादी की बातचीत चल रही है। ओ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, अब वो आपसे कुछ बातचीत करनी थी। जी बोलिए। यहाँ बीच सड़क पर? तो फिर तो कहीं बैठकर चाय पीते हैं ना? नहीं नहीं मुझे डर लगता है। डरो मत आ जाओ। कहाँ जाना होगा? पास में एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। आओ बैठो। मोटरसाइकिल पर? तो और किस पर जाओगी? कोई देख लेगा तो? देख रहे हैं तो देख लेंगे। आ जाओ। नहीं नहीं मुझे डर लगता है, आपको जो बात करनी है बाबूजी से कर लेना। ये नमूना ढूंढा है दादी ने मेरे। थाने के पर्चे में से हरजीत का नाम भी निकलवा देंगे वो। तेरे ताया जी और तेरे बाबू गए तो थे नासपीटे से मिलने, क्या सिला दिया उसने, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं वो हमसे। कोई रिश्ते की बात करने गए थे ताया और बाबू? क्या कोई लठ लेकर जाता है रिश्ते की बात करने? दादी धमका के आए उन्हें। और जो तेरे और हरजीत के साथ उन्होंने किया है वो ठीक किया था? शुक्र करके धमका करके ही आए। जो मेरे साथ हुआ वो एक गलत फहमी थी, और जो हरजीत के साथ हुआ वो उन्होंने नहीं किया। अरे वो तो उल्टा इस मामले में हमारी मदद करना चाहते हैं। वो तो हमें माफी कर, यही तेरी सबसे बड़ी मदद हो। जब किसी को मेरी बात सुननी नहीं है ना तो फिर मुझे भी कुछ कहने या पूछने की क्या जरूरत है? रुक कर्नल। कभी कभी जीवन में फैसले लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ऐसे में अपने जीवन की नैया वाहेगुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए। आप पे पार लगाए पर दादी आप बस दादी हमने शादी कर ली। सतबीर दादी के पैर। रुक जा लड़की, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जा, जा, चल, चल निकल, तू भी निकल ना मेरे घर से बाहर। अगर नहीं किया ना तो मेरे से नष्ट हो जाना। चल, 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 जा। चल, 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 चल,
ये शर्म अभी भी जहां में खड़ा है, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? ठीक है बाबूजी, अगर आप लोग यही चाहते हो तो मैं सतबीर को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, मेरे हिस्से एक जमीन मेरे नाम कर दो। हम लोग कहीं भी गुजारा कर लेंगे। क्या बोल रहे? क्या बोला? फिर से बोल। फिर क्या करूं दादी, क्या करूं? मैंने आपसे कहा था मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, मुझे इससे शादी करनी थी और मैंने कर ली। अब आप लोगों की मर्जी, मुझे यहां रखना है तो रखो वरना अलग कर दो। वाह पुत्र वाह, अच्छी पट्टी पढ़ा के भेजी तेरे ससुराल वालों ने। मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, जब आप लोग मुझको यहाँ रहने नहीं दोगे तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो करूंगा ना मैं। और वैसे मैंने गलत क्या कहा? क्या दादा ने ताया और बहुजी की जमीन का बंटवारा नहीं किया था? इतना शानदार स्वागत हुआ है तेरे घर में, खुश नहीं होंगी क्या? देख, इतना तो तेरे को भी पता था कि ये होना ही था, फिर भी शुक्र करके दादी मान गई, उन्होंने तेरे को स्वीकार कर लिया। ये तो बड़ा अजीब था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, ये तो तेरी जिद थी जो हम यहाँ आ गए। वरना डैडी जी ने कितना अच्छा होटल का कमरा बुक करवाया था, रात भर वही रुकते, सुबह आके डैडी जी ने सब ठीक कर देना था यहाँ। नहीं सतबीर, इससे बात और बिगड़ जाती। देख, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे पक्का पता है तूने अपने व्यवहार से ना सबका दिल जीत लेना एक दिन। मुझे नहीं जीतना किसी का दिल, मेरे लिए तो ना तू ही काफी है, जिसके लिए लड़कर मैं यहाँ तक आ गई। वो ठीक है, लेकिन दादी और बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, अभी गुस्से में, गुस्सा उतर जाएगा ना, सबकी चहेती हो जाना है तूने। हाय मैं सदके जावा, ऐसी बातें बनाता रहेगा, कुछ खिलाएगा भी? जब से आई हूँ इस घर में पानी तक नहीं पूछा किसी ने। ठहर जा, मैं लेकर आता हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? तू तो बिना तैयार हुए गजब ढाती है, तुझे तैयार होने की क्या जरूरत है? तैयार नहीं होंगी, मेरे देवर की शादी है, फिर मेरा मायका और ससुराल दोनों ही खाने पीने वाले हैं, ऐसी चली गई ना तो बेइज्जती नहीं हो जानी उनकी? अच्छा देख, ये ना मेरे को तेरी दादी ने दी है। ओए, अब तेरी भी दादी है वो? हाँ है, तो तुझे पता है अभी तो ना मेरे नानकों से कुछ नहीं आया, अगर हमारी अरेंज मैरिज होती ना तो मेरी नानी और मामी ने तो मुझे गहनों से लाद ही देना था। तो औरतों की ये गहनों जेवरों की भूख कभी खत्म भी होती है या जितनी मिलती जाए बढ़ती जाती है? दादी चले तो रुक जा कर्नल, सतबीर तू भी रुक जा। क्या हुआ बेबे? ये सब क्या है सतबीर? ये कैसी नाराजगी है? इसमें भी तुझे मेरी गलती दिखती होगी। मैंने ऐसा कब कहा? शांत हो जा। गलती कर दी मैंने जो तुझसे दिल लगा बैठी, क्या गुनाह कर दिया मैंने? सबको राजी करने में लगी हूँ, अब क्या मर जाऊं मैं? मैं जानता हूँ तेरे को बुरा लगा, मेरे को भी बुरा लगा था, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच,
दादी ने कुछ गलत नहीं कहा सतबीर, आज हमारा जाना ठीक नहीं था। आज क्या, मैंने कभी भी रोपड़ जाना ही नहीं है, रोपड़ जाएगी मेरी जुत्ती। अच्छा कोई नहीं, मत जा, तुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हुँ? कैसे घर वाले हैं करनैल तेरे, वहाँ बैठ के सब रौन के लगा रहे होंगे और अपने बड़े बेटे और बहू को छोड़ के उनकी जिंदगी में स्यापा डाल के। किसी ने कोई स्यापा नहीं डाला हमारी जिंदगी में, बल्कि सबने तुझको खुले दिल से अपना लिया है। अच्छा, वैसे तो उन्हें अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र रहती है, अब जब उन्हें कुड़माई में सब पूछेंगे कि उनका बड़ा बेटा कहाँ है, तब क्या जवाब देंगे वो? दे देंगे जो जवाब देना है। तू ये भी तो सोच, शादी के बाद हमें पहली बार मौका मिला है ऐसे अकेले रहने का, वरना हर वक्त कोई ना कोई घर में रहता था। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मौका जो इतनी बेइज्जती करा के मिला हो। अरे कोई बेइज्जती नहीं हुई सतबीर, सब घर वालों ने हमारा भला सोच कर ये फैसला लिया। अच्छा ये सब छोड़, चल पिक्चर देखने चलते हैं, चंडीगढ़ शाम तक लौट आएंगे और खाना वहीं खाएंगे। चल हम भी पार्टी शार्टी करते हैं। मैंने नहीं जाना कहीं, मैंने ना अपना सिर धोना है। हाँ बात तो ठीक कह रही है, काम तो कंस्ट्रक्शन का भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना एक वर्कशॉप डाल दूँ, कोई पूरे पिंड में नहीं है कोई। वर्कशॉप ही डाल ले, कुछ तो कर ले। लेकिन पहले सोच रहा हूँ टिकटे करा लूँ हनीमून के लिए अपनी। हर काम में लेट लेती, मैंने नहीं जाना तेरे साथ हनीमून पे। अच्छा तो किसके साथ जाएगी? और बहुत है मुझे ले जाने वाले। सच्ची? और क्या। मनवीर, सतबीर कहाँ है देखा? जी वो रसोई में है, बुलाऊं? नहीं नहीं, और बाकी घर वाले? जी मम्मी और दादी सिमरन के साथ गुरुद्वारे गए हैं, बाऊजी सुबह ही निकल गए थे, कमल कॉलेज गई है और हरजीत सो रहा है। और जनरल? वो भी सुबह ही निकल गए थे। मेरी मोटरसाइकिल ले गया होगा ना? जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं। मनवीर जी, सॉरी मनवीर, तेरे साथ जो कुछ भी हो उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता था। जी कोई नहीं, दादी ने बिना मेरी मर्जी के तेरे साथ रिश्ता तय कर दिया, सोच अगर हमारा ब्याह हो जाता तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। मैं भी वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, वाहेगुरु ने जो कुछ भी किया है ना मेरी उम्मीद से ज्यादा ही किया है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस अब तू बेधड़क होकर रहे इस घर में, मेरे को बड़े वीर जैसा समझ, मेरे दिल में तेरे लिए कभी कोई दूसरा ख्याल नहीं आया। अरे मेरे लिए जैसे कमल है सिमरन है वैसी तू है। जी जा खुश रह। रहा हूं एक कार ले। कार? मोटरसाइकिल जनरल को दे दूंगा, अपने लिए एक बढ़िया सी कार खरीदते। जरूरत है कार की? अरे जरूरत क्यों नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार तेरे को बार बार मोटरसाइकिल पे ले जाना इधर उधर, और वैसे भी गर्मी ठंड बरसात प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है मोटरसाइकिल में। ठीक है मेरे को भी चलानी सिखा देना कार। तू चलाएगी? हाँ जब मैं अपनी स्कूटी चला लेती हूँ तो कार भी चला लूंगी। यार हमारा हनीमून तो ऐसे ही निकल गया, सुन अमृतसर चलेंगे कार में, दरबार साहिब मत्था टेक कर आएंगे। सच में मेरा भी बड़ा मन है, फिर वहीं से कहीं आउटिंग पे चलेंगे। हाँ डलहौजी या धर्मशाला चलते हैं। कितने पैसे हैं तेरे पास? बड़ी महंगी आती है कार। हाँ 15-20 लाख से कम की तो नहीं होगी। कहाँ से लाएगा इतने पैसे? 5 लाख तो तेरे डैडी ने दिए ही थे। और बाकी? बाकी बाऊजी को बोलता हूँ। बाऊजी के पास होंगे इतने पैसे? अभी तो उन्होंने जर्नैल का ब्याह किया है और मेरे को भी कितने गहने गट्टे बनवा के दिए हैं। आटा चक्की के पीछे हमारी एक जमीन है 2 किले की,
बंजर है, खाली पड़ी है। बाऊजी को बोलता हूँ वो बेच दो। जमीन बेचकर कार लेगा? अरे तू फिक्र मत कर, बेकार जमीन है ऐसी। अगर बेकार है तो कोई क्यों लेगा? तू कहे तो डैडी जी से बात करूं, उन्होंने दो मिनटों में दिला देनी है कार। नहीं 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 नहीं, डैडी को उसमें लाने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे तरफ से तेरे लिए मुंह दिखाई होगी। हाँ मैं सदके जावा, तुम्हारे में शादी के दो दो महीने बाद देते मुंह दिखाई। हम ना जर्नैल और मनवीर को भी ले जाएंगे। पागल है क्या तू? हनीमून में किसी को कोई साथ ले जाता है? बाबूजी एक मिनट। हाँ पुत्र। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बता, क्या बात है? बाबूजी मैं एक कार लेने के लिए सोच रहा हूँ। बिना कार के आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बेटा जी अब तक भी तो कार के बिना सारी रहा था, तो अब कार के क्या अचानक की जरूरत आन पड़ी? बाबूजी जरूरत है इसलिए तो बोल रहा हूँ। लड़कों की शादियाँ तो होगी, अब सियालबा और ऊपर तो आना जाना लगा ही रहेगा। घर की कार होती तो आना जाना आसान हो जाता। कब तक लखविंदर से हम लोग टैक्सी मंगवाते रहेंगे? ठीक है भाई, अगर आप सभी ने सोच ही रखा है तो मर्जी आपकी, ले लो। भाजी थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। हाँ पुत्र जी, आपके ससुर जी ने 5 लाख दिए तो थे, और 1-1.5 लाख मैं ले दूंगा, काम चल जाएगा आपका। 1-2 लाख नहीं भाजी, पूरे 12 लाख। 12 लाख? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे 7-8 लाख में अच्छी कार आ जाती है। भाजी 18-20 लाख से कम में कोई बड़ी कार नहीं आती। बड़ी कार की क्या जरूरत है, छोटी कार से काम चलाओ ना। नहीं भाजी मुझे बड़ी कार चाहिए, बस आप मुझको दे दो। और वैसे भी आपने मेरी शादी में कौन सा खर्चा किया जो आपने जनरल की शादी में किया था, और मुझे कौन सी अकेली कार चलानी है? पुत्र जी आप बात को समझते, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब देखो हरजीत को बीटेक करवानी है, कमल की सिमरन की शादी भी करनी है, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे मैं? भाजी आपके पास सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान है, बस एक मैं रह गया बड़ा पुत्र, जिसके लिए आपके पास कभी कुछ नहीं था। करनैल कैसी बातें करता है पुत्र, तो हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। तू घर का बड़ा पुत्र है तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती है। बेबे बड़े पुत्र की सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, कोई हक भी होता है? कैसी बात करता तू करनैल, सवेरे सवेरे किसने पट्टी पढ़ाई? सतबीर ने, जब उसके डैडी ने कान भरे तेरे। मम्मी जी मुझे और डैडी जी को ना बीच में मत लेके आओ, ये जो कह रहे हैं ना खुद से कह रहे हैं। और डैडी जी को अगर इस बात की जरा सी भी भनक होती ना तो उन्होंने सीधी कार ले देनी थी, इतनी बहस ना करते वो। देखो पुत्र जी आपके डैडी के पास पैसे हैं, वो दे सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? ऐसा है आड़ा चक्की के पीछे वाली जमीन बेकार पड़ी, वो बेच दो। तेरा दिमाग खराब है, तू जमीन बेचकर कार लेने की सोच रहा है? वैसे भी उसमें होता क्या है? जमीन तो जमीन होती है पुत्र। तो ऐसा करो बाबूजी, वो जमीन मेरे नाम कर दो और आगे चल के मेरे हिस्से में लिख लेना। तू अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा? कैसी बात करते है तू? इसमें मैंने गलत क्या कह दिया बेबे? एक न एक दिन तो तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना।